हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश, दोनों पायलट शहीद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। राजस्थान में बाड़मेर के पास भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में दो पायलट सवार थे और इस दुखद हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। मिग विमान के नीचे गिरते ही इसमें आग लगी और धू-धू कर जलने लगा। इस दुर्घटना में MiG-21 ट्रेनर विमान के दोनों पायलटों की जान चली गई। भारतीय वायुसेना को इनकी जान गंवाने का गहरा अफसोस है और शोक परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। राजनाथ ने की वायुसेना प्रमुख से बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर में MiG-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात की। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से राजस्थान के बाड़मेर के पास IAF के MiG-21 ट्रेनर विमान की दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले दो एयर वॉरियर के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। MiG-21 काफी लंबे समय से भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार रहा है। वायुसेना के दो जवान हुए शहीद, विंग कमांडर मोहित राणा निवासी हिमाचल प्रदेश, साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल निवासी जम्मू कश्मीर। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।